Good morning, everyone. This is Samasmita, and today we are going to learn chapter number 6, The Story of Dr. Dolittle, from the book New Oxford Modern English, Class 4. So, chapter number 6, The Story of Dr. Dolittle. ये एक डॉक्टर जिसका नाम था डोलिटल, उनका इस बारे में ये स्टोरी है. तो वंस अपन अ टाइम मेनी ईयर्स अगो व्हेन आवर ग्रैंड पेरेंट्स वर लिटिल चिल्ड्रन देयर वॉज अ डॉक्टर एंड हिज नेम वॉज डोलिटल, जॉन डोलिटल MD. वंस अपन अ टाइम, बहुत समय पहले एक समय था, मेनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, व्हेन आवर ग्रैंड फादर्स वर लिटिल चिल्ड्रन, जब हमारे भी दादाजी छोटे बच्चे थे, देयर वॉज ए डॉक्टर, तब एक डॉक्टर हुआ करते थे एंड हिज नेम वॉज डोलिटल, और उनका नाम था डोलिटल, जॉन डोलिटल MD. MD मतलब क्या है? MD मीन्स दैट ही वॉज ए प्रॉपर डॉक्टर एंड न्यू ए होल लॉट. MD मतलब एक प्रॉपर डॉक्टर जो सब कुछ जानता हो. ही लिव्ड इन ए लिटिल टाउन कॉल्ड पडल बाय ऑन द मार्स. वो एक छोटे से टाउन में रहते थे जिनका नाम है पडल बाय ऑन द मार्स. ऑल द फोक्स यंग्स एंड ओल्ड न्यू हिम वेल बाय साइट. सारे मित्रों जो थे उनके, दो छोटे बच्चे, ओल्ड यानी बूढ़े, सब कोई उनको देखते ही पहचान जाते थे. द डॉग्स एंड द चिल्ड्रन वुड ऑल रन ऑफ एंड फॉलो बिहाइंड हिम. जो जितने भी वहाँ के डॉग्स थे, कुत्ते थे और बच्चे थे, सारे उनको देखते ही दौड़े भागे चले जाते थे उनके पीछे पीछे. And even the crows that lived in the church tower would cow and nod their heads. यहाँ तक कि जो क्रो होते थे, जो कौवा होते थे, वो चर्च टावर के ऊपर बैठा करते थे, इनको देख के वो लोग भी काव काव करते थे और अपना सर हिलाते थे. The house he lived in on the edge of the town. जिस घर में ये रहते थे, डॉक्टर रहते थे, वो कहाँ था? टाउन के पूरा आखिरी में रहता था. वॉज क्वाइट स्मॉल, थोड़ा छोटा था, बट हिज गार्डन वॉज वेरी लार्ज. लेकिन उनके घर का जो गार्डन था वो बहुत बड़ा था. एंड हैड ए वाइड लॉन एंड स्टोन सीट्स एंड वीपिंग विलो हैंगिंग ओवर. लेकिन उनके वहाँ पे आंगन बहुत बड़ा था और वहाँ पे वीपिंग विलो मतलब एक पेड़ है जो लटक रहा होता है, मतलब उसकी जो पत्तियाँ सारे लटक रहे होते हैं. हिज सिस्टर सारा डोलिटल वॉज हाउसकीपर फॉर हिम. उसकी ये डॉक्टर की बहन थी सारा डोलिटल, जो कि उनके घर की देखभाल करती थी. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स एंड केप्ट मैनी काइंड्स ऑफ पेट्स. वो एनिमल्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे. कौन पसंद करते थे? डॉक्टर. डॉक्टर एनिमल्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और बहुत सारे पेट्स, दूसरे पेट्स रखे थे उनके पास. बिसाइड द गोल्ड फिश इन द पॉन्ड एट द बॉटम ऑफ हिज गार्डन. गोल्ड फिश के अलावा, जो कि पॉन्ड में था, उनके गार्डन के नीचे एक पॉन्ड था, वहाँ पे गोल्ड फिश रहते थे. उसको छोड़ के भी ही हैड रैबिट्स इन द पेंट्री. उनके पास रैबिट्स था बहुत सारे, जो कि पेंट्री यानी कि जो किचन का सामान रखा जाता है वहाँ पे. विथ माइस इन द पियानो, पियानो में एक माइस रहता था. एक स्क्वेरल इन द लाइनिंग क्लोसेट, और एक स्क्वेरल था जो कि उनके कबोर्ड में था, क्लोसेट में. एंड ए हैज हॉग इन द सेलर, और एक हैज हॉग था. ही हैड ए काओ विथ ए कार टू. एक काओ था उनके पास जिसका एक बच्चा भी था. And an old lamb horse, और एक बहुत बूढ़ा horse था, 25 years of age, 25 साल हो रहा था उस horse को. And chickens and pigeons and two lambs and many other animals. उनके पास chickens भी थे, pigeons भी थे, दो lamb भी थे और animals भी, बहुत अलग अलग animals भी थे. But his favorite pets were, लेकिन उनके जो favorite pets थे वो कौन थे? Dab Dab the duck, Jip the dog, गप गप द बेबी पिक, पोलिनेसिया द पैरट एंड द आउल थू थू. ये सब इनके नाम हैं. डक का नाम है डैब डैब, डॉग का नाम है जिप, बेबी पिक यहाँ पे जो है ये उसका नाम गप गप था, और पैरट का नाम पोलिनेसिया था, और आउल का नाम थू थू था. टर्न ओवर द पेज. हिज सिस्टर यूज्ड टू क्रम्बल अबाउट ऑल दिस एनिमल्स एंड सेड दे मेड द हाउस अनटिडी. उनकी बहन जो थी वो हर बार पेट्स के वजह से बहुत मतलब पसंद नहीं करते थे, तो बड़बड़ा रही होती थी क्योंकि ये पेट्स जो है हमारे घर को गंदा कर रहे हैं. एंड वन डे व्हेन एन ओल्ड लेडी विथ रेमेटिज्म केम टू सी द डॉक्टर, सी सेट ऑन द हेजहॉग हु वाज स्लीपिंग ऑन द सोफा एंड नेवर केम टू सी हिम एनी मोर, बट ड्रोव एवरी सैटरडे ऑल द वे ऑफ
Oxenthorpe, another town 10 miles off, to see a different doctor. एक दिन क्या हुआ, जब एक लेडी आई, उनकी जॉइंट्स की बीमारी को रेनोमेटिज्म बोलते हैं, डॉक्टर को दिखाने आई, वो वहाँ पे बैठी सोफे में, तो क्या हुआ, यहाँ पे देख सकते हो एक हैजहॉग बैठा है, सो रहा होता है, तो उसके ऊपर ये लेडी जाके बैठ गई होती है, तो चिल्ला के मारे, डर के मारे वो भाग जाती है और कभी वापस नहीं आती. लेकिन बट एवरी ड्रॉप एवरी सैटरडे ऑल द वे ऑफ ऑक्सेंथोप अनदर टाउन 10 माइल्स ऑफ टू सी ए डिफरेंट डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर को, ऑक्सेंथोप मतलब भी एक बीमारी का नाम होता है, उनको दिखाने 10 माइल टाउन के 10 माइल तक से दूर वो जाते थे. देन हिज सिस्टर सारा डोलिटिल केम टू सी हिम एंड सेड, फिर उनकी बहन सारा डोलिटिल आती है और फिर बोलती है, जॉन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट सिक पीपल टू कम एंड सी यू व्हेन यू कीप ऑल दिस एनिमल्स इन द हाउस. जॉन तुम ये कैसे मान सकते हो कि कोई बीमार इंसान तुम्हारे घर आएगा, इन एनिमल्स के होने के बावजूद तुम्हारे पास इस घर में आएगा. इफ़ यू गो ऑन लाइक दिस नॉन ऑफ द बेस्ट पीपल विल हैव यू अ डॉक्टर हैव यू फॉर अ डॉक्टर. अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे पास कोई भी अच्छा इंसान, एक डॉक्टर, तुम जैसे डॉक्टर के पास नहीं आएगा. बट आई लाइक द एनिमल्स बेटर देन द बेस्ट पीपल, सेड द डॉक्टर. लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे उन बेस्ट पीपल से ज़्यादा तो एनिमल्स पसंद है. यू आर रेडिकुलस, सेड हिज सिस्टर एंड वॉक्ड आउट द रूम. वो बोलती है तुम बेकार हो, छोड़ो बोलती है और वहाँ से भाग जाती है. सो एज टाइम वेंट ऑन द डॉक्टर गॉट मोर एंड मोर एनिमल्स एंड द पीपल हु केम टू सी हिम गॉट लेस एंड लेस. लेकिन जैसा टाइम चलता गया डॉक्टर के पास और ज़्यादा एनिमल्स आने लगे और जो लोग थे वो आना कम और कम होने लगे. टिल द लास्ट ही हैड वन लेफ्ट, लास्ट में बस एक ही बचा था, एक्सेप्ट द कैट्स मीट मैन हु डिडंट माइंड एनी काइंड ऑफ एनिमल्स. बस एक ही इंसान था जो आता था, कैट्स मीट मैन, जिसको कि एनिमल से कोई प्रॉब्लम नहीं था. एंड नाउ व्हेन ही वॉक डाउन द स्ट्रीट इन हिज हाई हैट, पीपल वुड से टू वन अनदर, देयर गोज जॉन डोलिटिल एम डी. देयर वॉज अ टाइम व्हेन ही वॉज द बेस्ट नोन डॉक्टर इन द वेस्ट कंट्री. लेकिन अब जब ये डॉक्टर रास्ते में चल के जा रहे होते हैं अपने हाई हैट पहन के, लोग उनको देख के बोलते हैं, देखो वो है जॉन डोलिटिल एम डी. एक समय था जब इनके पास ये बेस्ट डॉक्टर जाने चाहते थे वेस्ट कंट्री में. लुक एट हिम नाउ, अभी इनको देखो, ही हैज़ नॉट एनी मनी एंड हिज स्टॉकिंग्स आर फुल ऑफ होल्स. अभी उनके पास कोई पैसा नहीं है और देखो उनका जो स्टॉकिंग्स यानी कि लंबे लंबे मोजे होते हैं वो भी पूरे फटे हुए हैं. बट द डॉग्स एंड कैट्स एंड द चिल्ड्रन स्टिल रन ऑफ एंड फॉलोड हिम थ्रू द टाउन, दे द सेम एज दे हैड डॉन व्हेन ही वाज रिच. लेकिन अब भी डॉग और कैट्स और बाकी बच्चे भी अभी भी उनके पीछे दौड़ा करते हैं, जब ये रिच थे और उनके पहले दौड़ा करते थे. इंसानों में फ़र्क होता है, बच्चों और एनिमल्स में कभी कोई फ़र्क नहीं होता है ना. तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में पढ़ेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. शेयर दिस वीडियो एंड मेक्स यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो टू लेट मी नो दैट यू गेट इट क्लियरली. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन हैव अ नाइस डे.